और मेरे मकतूब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुछ है करने का मौका मिला है, उसका इनवान है, क्या मैं दुनिया बदल सकती हूँ? क्या है आग ही, क्या है तीरगी, क्या है रोशनी, क्या है, क्या है आग ही, क्या है तीरगी, क्या है रोशनी, क्या है? आदमी ने समझ लिया सब कुछ, आदमी ने समझ लिया सब कुछ, ये ना समझा कि आदमी क्या है। मैं वक्त की राह गुजर में खड़ी हूँ, मेरे सामने उसका अनुमान है वक्त की पूंजी। जनाब सदर, आज के दौर में वक्त
होटल वो कुमार से निकला थी और मुंह से निकली बात की किसी कीमत पर भी वापस नहीं लाया जा सकता। जनाब सदर, एक मसल मशहूर है कि क्या वक्त हाथ आता नहीं, इस कायनात के हर एक जरिए को वक्त का बंद कर दिया गया है। सूरज, चांद और तमाम सारे और सारे अपने अपने मदारे वक्त के बंद है। अगर यह निजाम बंदी भूल जाएगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, मगर इंसान जो जिंदा वजूद है वो लेकिन अल्लाह ने इसे भी बंद किया हुआ है। हमारे मजहब ने भी हमें वक्त की पाबंदी का एहसास दिलाया है और मुसलमान को 5 वक्त की नमाज माह रमजान में रोजा रखने की नेतमान दीनी फराइज का पैगाम देते हैं। इंसानी जिंदगी के 3 मरहले हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये कभी एक दूसरे से पहले नहीं है, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो वक्त के बंद हो जाओ, वरना पछताओगे। फिर बचाने क्या क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मगरब की कामयाबी उसकी मेहनत नहीं, उसकी दौलत नहीं, उसका ध्यान नहीं, बिल्कुल पुंदिया वक़्त है। उन्होंने वक़्त की कदर की वो कामयाब हुए, और बेवक़्त होकर जो मकाम वक़्त की कदर करती है वही दुनिया पर राज करती है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह वक़्त की कदर ना होना। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो वक़्त की अहमियत का ना सिर्फ जानना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ चलना चाहिए। तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाबी और कामरानी से नहीं रोक सकती। आए आज याद करें कि जब हम यहाँ से उठे तो आइंदा हर काम वक्त पर करें, इससे बड़ा कीमती राज और बड़ी कीमती बात नहीं। मोहतरम सदर, हम तालिब इल्म हैं और तालिब इल्म के ख्याल में इतना ही काफी है, इसी तरह हर फर्द के लिए काफी है। इसी तरह हर फर्द के लिए लिहाजा दुनियावी आखिरी के लिए जरूरी है। हम सब वक्त की पाबंदी करें, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر مجھے سامنے کرام اور میرا مکتب ساتھیو السلام علیکم جناب صدر آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم نے تقریب سے خود اپنے نشیمن پھول کے جناب صدر سوچتا ہوں کہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے جناب صدر سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے جب قاتل بھی مسلمان ہو مقتول بھی مسلمان ہو تو پرندے کس پر کنکر گرائیں قاتل پہ یا مقتول پہ تقریب کار پہ یا تقریب گزیدہ پہ ہاں صدر علی وقار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے اور مفلس سے شہر کو دنمان سے ڈر لگتا ہے پرنے دنمان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کام و احسار و اخوت مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدر علی وقار جی تو چاہتا تھا فلسطین کشمیر چیچنیا بوسنیا افغانستان لہو لاشے کٹے پٹے انسان اور خون میں رنگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر آج کے مباحثے کے قواعد و ضوابط کے مطابق میرے پاس بولنے کے لیے صرف 5 سے 7 منٹ ہیں اور 5 سے 7 منٹ میں اپنوں کے لگائے زخم دکھانا مشکل ہے اوروں کے کسے کیا چھیڑوں صدر علی وقار جب قاتل بھی مسلمان ہو اور مقتول بھی مسلمان ہو تو پھر بتائیے کہ کس کو قاتل کہیں اور کس کو مقتول کہیں جب قاتل گولی چلا رہا ہو تو اس کے منہ سے لا الہ نکل رہی ہو اور جب مقتول کے جسم سے گولی پار ہو رہی ہو تو مرتے وقت اس کے منہ سے لا الہ کی آواز نکل رہی ہو تو پرندے